का थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा, थोड़ा सा प्लीज। छपाक की रिलीज के बीच दीपिका पादुकोण का जेएनयू जाने का कदम कईयों को साहसिक लग रहा है तो कई लोग इसे चीप पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म छपाक की रिलीज से कुछ दिन पहले बड़ा दांव खेला है। मंगलवार को दीपिका जेएनयू छात्रों के समर्थन में उतरी। एक्ट्रेस जेएनयू कैंपस में 10 मिनट तक छात्रों के प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी। छपाक की रिलीज के चंद दिन पहले दीपिका का ये कदम कईयों को साहसिक लगा है और कईयों को स्टंट। दीपिका के जेएनयू कैंपस में जाने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के मिले जुले रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। दीपिका को ट्रोल भी किया जा रहा है। यूजर्स का कहना है कि दीपिका पादुकोण देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ खड़ी हुई हैं। और दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण के समर्थकों की कोई कमी नहीं है। जनता ने दीपिका की जेएनयू विजिट पर क्या क्या रिएक्शंस दिए हैं, आइए देखते हैं। दीपिका की सुर्खियों में आने से छपाक भी ट्रेंड कर रही है। विवाद के चलते छपाक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। एक्ट्रेस की पिछली रिलीज पद्मावत को भी कंट्रोवर्सी का फायदा मिला था। देखना ये दिलचस्प होगा कि जेएनयू विजिट से दीपिका की फिल्म को कितना फायदा पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात तक।